रोहित शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि हमारी पूरी टीम बिल्कुल फिट है, हमें तैयारी की जरूरत नहीं है, हम पाकिस्तान के साथ बड़े अच्छे तरीके से खेलेंगे। वो जिस तरीके से कॉन्फिडेंट है तो कुछ डाउट ही लग रहा है, वो आराम से खेल लेंगे। पिछले मैच में इंडिया को पकड़ा है इस तरह, तो हर मैच तो इसी तरह नहीं होता है। फिंशा फरीदी जो है ना, सपने में शायद उसे आउट कर दे, क्योंकि आपको पता है ये रिसेंटली अभी ठीक हो गई है। शहनशाह फरीदी को खेलना, आर एस रूप को खेलना उनके लिए मुश्किल है। हाँ, वहाँ पे विराट कोहली का बैट चल सकता है और खासकर सूर्य कुमार यादव और के एल राहुल, वो खतरनाक साबित हो सकते हैं। रोहित शर्मा से ज्यादा खतरा नहीं है मेरे ख्याल। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल क्रिकेट स्पॉट में स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया रोहित शर्मा के बयान से काफी डर गई। रोहित शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि पाकिस्तान से खेलने के लिए कोई प्रैक्टिस जरूरी नहीं। इस बारे में पाकिस्तानी मीडिया में बहुत चर्चा हो रहा है। दोस्तों, जानते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस बारे में क्या कहती है। अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आ गए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि स्पोर्ट्स संबंधी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो हम आपके साथ लाते रहेंगे। दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जो पिछले मैच में इंडिया को पकड़ा है इस तरह, तो हर मैच तो इसी तरह नहीं होता है। पाकिस्तान ने सिंसिबल हो के खेलना है, चाहे बॉलर हो चाहे बैटिंग हो, तो इंशाल्लाह हिम्मत कर लेंगे, पकड़ सकता है। शाहिन शाह उसी तरह फिट नहीं है, अला करे उसी तरह परफॉर्म दे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जीत सकता है। रोहित शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि हमारी पूरी टीम बिल्कुल फिट है, हमें तैयारी की जरूरत नहीं है, हम पाकिस्तान के साथ बड़े अच्छे तरीके से खेलेंगे। वो जिस तरीके से कॉन्फिडेंट है तो कुछ डाउट ही लग रहा है, वो आराम से खेल लेंगे। नहीं, कॉन्फिडेंट तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हरीश रऊफ भी है, दूसरा नसीम शाह है, शाहिन आ गया ऊपर से, तो वो उनका अपना माइंड है, जो जो खुद बात कर सकता है वो उनकी अपनी माइंड है, लेकिन जो हमारे जो बॉलर है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फिट है, तो इंशाल्लाह ये जीत इंशाल्लाह पाकिस्तान का होगा। नहीं बाकी टीमों को गेंद फुटबॉल नजर आ रहे होते हैं, हमें गेंद ही बन जाती है, आप क्या कहेंगे इस पे? इन शायद हो सकता है आउट हो जाए, वरना पाकिस्तान को तो वैसे ही आपको पता है कि जब एंड पे होता है ना कि हाँ भाई ये सारी टीमों से जीत जाते हैं, एंड पे आके इंडिया से हार जाते हैं। अब देखें पिछली दफ़ा भी इसी तरह हुआ वर्ल्ड कप में भी, उसके बाद जो सीरीज हुई है उसमें भी ऐसे ही हुआ है, तो बहुत नामुमकिन है, लेकिन अल्लाह पाक भी डिपेंड करता है वो हमें जिता दें या हरा दें। इस पे ये चीज कह सकते हैं कि अल्लाह पाक ही बेहतर जानते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे कल जीतेंगे परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। अब आएगा तो फिर पता चलेगा, देखें क्या होता है। हम कब तक शहनशाह अफरीदी पर डिपेंडेंट रहेंगे? जब तक वो बूढ़ा नहीं हो जाता। नया बॉलर हमारे पास नहीं आ रहा, हमारा मिडिल ऑर्डर भी फारग हो गया होगा, क्या चांसेस है? भाईजान चांसेस यही है कि पाकिस्तान बहुत अच्छी टीम है, ठीक है, लेकिन ये है कि दिल लगा के जब मेहनत इंसान कोई भी करता है ना, कोई भी टीम है, तो वो उसकी कामयाबी आपको पता है फिर अल्लाह की ज़ात उसे ज़रूर देती है। जब हमारी टीम दिल लगा कर मेहनत करेगी ना भाईजान, बॉलिंग लेवल सेट करेगी अपना, ठीक है, इंशाल्लाह ताला हम जीतेंगे, हम हारेंगे नहीं। अभी चांसेस नहीं नज़र आ रहे आपको? अभी चांसेस भाईजान ये आपको पता है अभी ताज़ा वो मुशारा बेचारा शेर सही होकर आ रहा है, तो हम देखो अल्लाह की ज़ात की कर दी उनकी नहीं कर दी, लेकिन है कि चांस बहुत घट है गिने के फरीदी आउट कर सके। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखो ऑस्ट्रेलिया के पिचेस में जो है फेस बॉलर तो बहुत चलता है, और पाकिस्तान के पास इस वक्त चार ऑप्शंस है, अगर वो तीन बॉलर को खिलाता है तो मतलब भारत के लिए काफ़ी ख़तरा है। लेकिन वार्म अप मैच में जिस तरह वो खेल रहे हैं वो भी पाकिस्तान के बॉलर का सामना कर सकते हैं, लेकिन ये देखा जाएगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, कौन बनेगा बादशाह और कौन बनेगा सिकंदर। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस।